हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने घर की हैप्पी किचन में। आज हम एक बार फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने एक सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, बिल्कुल एक सीटी लगाई है मैंने इनके अंदर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इन्हें इनमें यूँ पिन कर लेना है चम्मच से, ताकि जब हम मसाला बनाएं तो एकदम इनके अंदर मसाला अच्छे से पहुँच जाए। कश्मीरी दम आलू में लहसुन अदरक प्याज वगैरह नहीं डलता है, तो हम इसे सिर्फ दूसरे तरीके से आज बिल्कुल प्रॉपर कश्मीरी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने सब चम्मच से इनको पिन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमें इसमें डालना है थोड़ा सा ये नमक और थोड़ी सी हमें डालनी है लाल मिर्च। और इन्हें हल्के से स्पिन करके हिला के हमें 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया। आलू को मैंने मसाला बना के रख दिया है। अब करते हैं बात ग्रेवी की। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ी कटोरी दही मैंने यहाँ पे लिया है। तो अब दही में मिला देंगे हम 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च में मिला रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मसाले के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे देगी मिर्च, तो इसी दही के अंदर हम मिला लेते हैं लाल मिर्च, ताकि सब्जी में थोड़ा टेस्ट हो जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैंने आलू में नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ ये काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सौंफ है, सौंफ का पाउडर है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया है। और अब चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेसर पे। तो अब सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को मैंने कर लिया है गरम। यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इन आलूओं को हल्का सा फ्राई कर लेना है। कलर चेंज होने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके रखा हुआ है और बाद में इसी कढ़ाई में हम सब्जी बना लेंगे। तो आलू को मैंने कर लिया है शैलो फ्राई, अच्छे से इनका कलर हो गया है ब्राउन। अब क्या करते हैं, इनको बाउल में निकाल लेते हैं। ये ऑयल भी निकाल दूंगी, पूरा हमें रखना नहीं है, हम इसमें दोबारा ऑयल डालेंगे। तो इनको निकाल लेते हैं। तो अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर वापस वही कढ़ाई ले ली है। इसे मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल, मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है। अब इसमें डालते हैं हम खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ ये तेज़पत्ता, 2 में डाल रही हूँ हरी इलायची और 2 में डाल रही हूँ लौंग। अगर आपके पास दालचीनी वगैरह है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है अभी। अब डालते हैं इसमें ये 1/2 चम्मच जीरा, ये मैं कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये 1/2 चम्मच हल्दी, ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने 1 बड़ा चम्मच, तो मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर। 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं धनिया। नमक मैं अभी स्किप कर रही हूँ, नमक हम बाद में ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको चला के हम इसमें ऐड कर देंगे ये दही जो हमने बेटा था। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा। मैंने कहा था कश्मीरी दम आलू के अंदर हम लहसुन प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालते हैं। अब इसे 2 मिनट चलाते रहेंगे हम अच्छे से, ताकि दही फटे नहीं। वैसे तो नहीं फटेगा, पर फिर भी हमें चलाते रहना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी में बहुत ही प्यारा कलर आएगा, तीखी भी नहीं होगी और सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये व्रत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नवरात्रि स्पेशल है तो हम ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर घर में ट्राई कर सकते हैं। दो से तीन मिनट से चला लेंगे हम। तो 2 मिनट मैंने इसे चलाया। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं थोड़ा सा नमक। नमक बिल्कुल टेस्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि अपन ने आलू में भी डाला था इसलिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं डालना भूल गई थी ऑयल में, तो अभी डाल देते हैं हल्की सी। और यहीं पर ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये गरम मसाला।
अब 2 मिनट ढक्के से पका लेंगे ताकि दही अच्छे से पक जाएगा। तो 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को अब हटा लेते हैं हम एक बार। ऑयल सेपरेट हो गया यानी कि दही भी ढंग से पक गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम आलू। अब आप पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं थोड़ा सा पानी फिलहाल अभी ऐड कर रही हूँ ताकि सब्जी में थोड़ी ग्रेवी हो जाए। अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब बढ़िया कलर आ रहा है ना सब्जी में। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम दोबारा ढक देंगे और फिर हमारी कश्मीरी दम आलू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। अब 5 से 7 मिनट बाद हम ढक्कन हटा देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए, मैंने ढक के अच्छे से पका लिया था, ढक्कन को हटा भी लिया है। तो अब सब्जी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखो आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि सब्जी बिल्कुल बन गई है। तो थोड़ा सा लास्ट में डाल देते हैं अब इसके ऊपर कस्तूरी मेथी। अब गैस को कर देते हैं बंद और करते हैं सर्व। तो हमारी कश्मीरी दम आलू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।